ये हमारा खुशफहमी है कि गलत फहमी, ये हमें लगता है कि जैसे तुम जैसे क्या है तुम्हें पता है रूह अफ़ज़ा बाजी? शफीका कहती है कि अगर मैं दुबला हो जाऊंगा ना तो मैं बिल्कुल दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजाक नहीं करते सावर से। अब अगर तुमने नजीर की तरफ नजर उठा के भी देखा ना तो गर्दन काट दूंगी तुम्हारी। रूह अफ़ज़ा बाजी, अगर मैं मुझे लगा लूँ ना फिर देखना मेरी चाल कैसी बदलती है। तेरे ख्याल में मर्द होने का ताल्लुक मूंछों से है? हाँ रूह अफ़ज़ा बाजी, क्यों नहीं। अरे मूंछे ही तो हैं जो मर्द को एतमाद दिलाती हैं कि वो मर्द है। बगैर मूंछों के जहन जरा इधर उधर भटकने लगता है। ओ गॉड, ये किस किस्म की स्टूपिड आइडियोलॉजी है तेरी गंजी औरत। रूह अफ़ज़ा बाजी, याद रखो तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात अब खत्म हो चुके हैं। इसी तरह मेरे घर के अंदर भैंस की तरह दंदनाने की जरूरत नहीं है। और रूह अफ़ज़ा बाजी, तो मुझे पुलिस की धमकी देती थी ना, अब मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट कराऊंगा कि हमारे घर तुम आती हो और हमारी कीमती चीजें चुरा के चली जाती हो। और तुम्हें पता है अभी ताज़ा ताज़ा अम्मा का जेवर चोरी हुआ है। अगर मैंने अम्मा को बता दिया ना कि उनका जेवर किसने चोरी किया है तो तुम्हारी जान को आ जाएंगी। जेवर तो तूने उस दो नंबर फर्जाना पर लुटाया है, जेल तो तू जाएगी। बहरहाल मैंने तुझे इस वक्त इसलिए बुलाया था कि कल किसी वक्त मेरी दोस्त सब इंस्पेक्टर शाहीना फुर की आएगी। तू घर में ही मरी रहना क्योंकि वो बड़ी जल्लाद औरत है। अगर तू भागकर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई तो वो तुझे बालों से घसीटती हुई लाएगी। मगर तेरी तो बाल ही नहीं। एनीवेज, शाहीना फुर की बड़ी डेंजरस औरत है, पूरी पुलिस फोर्स उससे कांपती है। 14 डाकुओं को मार चुकी है वो, 14 डेकुइट्स। रोसा बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था, बात को इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत है। नहीं बुदून, बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। अब जाओ यहां से और मुंतजर रहना कल एक खौफनाक दहशतनाक औरत शाहीना फुरके के लिए। गो, गेट आउट, गो, गेट आउट। शाहीना फुरकी, माय फ्रेंड, वेरी डेंजरस वुमन इन द पुलिस। अरे ठहरो लड़कियों, में कोई चीज ला रही हूँ। अल्लाह करे हैजा आ जाए लड़के वालों को, पता नहीं क्यों लड़की वालों से उम्मीद लगा के बैठते माल खाने की। वैसे ये बात भी काफी हद तक माकूल है कि अगर इंसान पहले ही थोड़ी सरमायाकारी कर दे तो बाद में काफी हद तक मुनाफा पाता है। जहर लगती मुझे लड़कों की माएं, नफरत आती है मुझे उनसे। अरे दुनिया में सबसे बुरी ना लड़कों की माएं होती हैं। मेरी बच्चियों, ये कोई चंबे वाली बात है? अम्मा, वो लंबी चौड़ी ने तुमसे इमली की चटनी की फरमाइश की थी ना? हाँ ना, वो इसीलिए तो बना के लाई हूँ। आय है, क्या ही चीज है भाई, वो अनोखी नायाब बल्कि मास्टरपीस है, मास्टरपीस। अच्छा तुम लोग जाओ ना, मगरिब हो रही है, ये लो पकड़ो, ऊपर ही रख दो। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। कर ले, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। सलाम अलैकुम मौजी साहब जी, नमाज पढ़ रही थी, जाय नमाज से बैठकर ना अपनी वालदा महरूमा के लिए दुआ कर रही थी। सुनिए, मुझे सैरी के लिए दूध और जलेबियां दे जाइएगा। वो दूध जलेबियों के बगैर ना मुझे सैरी पे लुत्फ नहीं आता जी। रेशमी कबाब, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं
तो ले आइएगा। ओके बाय। अकेला माफ कीजियो, ये तुझ जैसी जाहिल गमार औरतों के मुंह से ये ओके बाय शौके ये अच्छा न लगे। तेरा अच्छा है भाई, पोत फकीरनियों का, चाल चले आहादियों की। खाला मैं क्या करूं, जो मौली साहब मुझ पे जान छिड़कते हैं, अभी भी दमखम होगा ना मुझ पर, तभी तो मौली साहब की खातिरदारियां कम नहीं होती। कहने लगे, तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने रेशमी कबाब के लिए इनकार किया हो तो। ए ये कौन सा माल है जिसकी तुझे आफारे हो में, और तो हरीज बिल्लियों की तरह कोनों खुदरों में सब चाट जावे। खाला मुझे तुझे मुर्गन गजाएं ठुसाते हुए ना खौफ आता है, अपनी उम्र तो देख, खुदा ना खास्ता अगर तू लुढ़क पुढ़क गई तो तेरे बच्चों से मैं बच सकूंगी। तो इतने फिसादी लड़ाका है कि लड़ने मरने पे तुल जाएंगे। ए लुढ़क फुड़क, ए तू मेरे बारे में ऐसी गुफ्तगू करे, तू तो यूं समझे जैसे मेरा ताल्लुक किसी बहुत ही नीच खानदान से और तू बड़ी महारानी है। नफरत होती है हर वक्त तुम दोनों का इस साथ तख्त पे बैठा देख के। किसकी गिबतें हो रही हैं, किस बेचारे गरीब की गुनाह धुल रहे? और ये गंजी, ये जो तू बेगम साहिबाओं की तरह आते जाते मुझे हिकारत से देखे है ना, ए मैं खूब जानू इसे। भाई बड़ा खल रहा है तुझे मैया का वजूद, नया बाजारी टोला महल्ले में जहन्नम रसीद हुआ है और इन्होंने अपनी आंखें माथे पर रख ली। खाला मैं गली तक जा रही हूँ, मौलवी साहब दूध और जलेबियाँ और रेशमी कबाब लेकर आते होंगे, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जा मर। अरे अकेला भाभी क्यों बेचारे उस गरीब मौलवी का घर बर्बाद कर रही हो, 11 मासूम बच्चे गरीब के। हाँ तो इसे मेरा क्या कसूर है? हाय अल्लाह, बिल्कुल अकेला भाभी ने औरत एक पहेली में जितना संगीता ने एक्शन दिए थे ना, सेम कॉपी किए। ए वदूद एक बात तो सुनियो। क्या है अम्मा, ऐसी बोल दो, मेरे पर टाइम नहीं है। हाँ हाँ तू तो बात बड़ी बेगम साहिबा है, जो फूलों की नुमाइश में फीता काटने को जावे। अपनी औकात में रहियो, ये मुझे छिचोर पाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने रूह अफ़ज़ा से 6,000 उधार लिए अपने ससुरालियों को खिलाने चटाने के वास्ते। रूह अफ़ज़ा बाजी से? नहीं तो अम्मा, मैंने तो एक पाई भी उधार नहीं रूह अफ़ज़ा बाजी से, और वो मुझे क्या उधार देंगी, वो तो खुद अपने ससुर के टुकड़ों में पल रही है। तू अपने ससुराल वालों को अफ्तारी कराने ले गया था ना? नहीं अम्मा, खुदा की कसम कोई नहीं लेके गया। देखियो वदूद अहमद, वो लोग घाटे में रहे हैं जो कड़की के बावजूद लोगों में खुद को तुर्रम खाम साबित करने पे तुले रहे हैं। भाई ये तो वही बात हुई, बाहर मियां हफ्त हजारी, घर में बीवी कर्मो मारी। अम्मा अल्लाह की कसम, अगर मैं रोजा भाई से एक पाई भी लियो तो तुम्हें। हाँ बोल बोल मेरे बच्चे, ए मुंह खोल खोल के बोल के या अल्लाह मेरे मैया को मौत दे दे। अम्मा जल्दबाजी में मुंह से अल्फाज फिसल जाते हैं ना। वो दो दायमद हमाइया लड़की वालों पे लौटाना बेगैरती समझा जावे। अगर मुझे ये शुबा हुआ कि तू ऐसी बेगैरती में मुलव्विस है तो खुदा की कसम अपनी जायदाद से आग कर दूंगी। ए अब जाके देख के अकीला और मौलवी के माँ बहन कौन सी रोमांटिक गुफ्तगू चल रही है। एक तू तो वैसे ही ऐसे कुटनियों वाले कामों में चैंपियन है, उठियो जाइयो। हर चीज नोट कीजियो फिर बताइयो। Tak 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 t
हाय बच्चियों, ये इतने बड़े बड़े थाल में क्या उठा रही? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेंजामिन सिस्टर। वैसे उसूलन तो हमारे यहाँ से तुम लोगों की अफ्तारी जानी चाहिए थी। अरे ये कौन सा बेहूदा उसूल है जिसकी तू तशहीर करता फिरे है? आए, वैसे खाला क्या बढ़िया इफ्तारी भेजी है फरद बहन ने। खैर तू तो अकेला जन्म जन्म की फकीरनी है, तूने तो जिंदगी में न कभी अच्छा खाया न चाटा। अरे खाला तुम मेरे खानदानी पस मंजर को नहीं जानती हो। अरे मेरे ताया अल्लाह बख्शे बहुत बड़े अदाकार थे, कई खामोश फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा किए उन्होंने। लो भाई ये है इनका खानदानी पस मंजर जिस पे ये फखर करती फिरे हैं। खैरात के टुकड़े और बाजार में डकार। खाला जान तुम्हारे हाथ तो एकदम मक्खन मलाई है। अरे भाई मैंने तो सारी जिंदगी वो लेमून वाला साबुन इस्तेमाल किया है। है मेरी खाला क्या कोई कम खूबसूरत है, नजर ही नहीं हटती मेरी तो इनके चेहरे से। बस ये अल्लाह की देन है, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ना है। वाकई अल्लाह की देन है। हम तो दुरा भाई से यही कहते हैं कि आपकी वालदा जैसी खूबसूरत और पुरवकार औरतें आजकल नहीं होती। हाँ इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ, बात तकब्बुर और एहसास बर्तरी की ना है, पर अब तो मुझे भी लगे है कि मेरे जैसी औरत मिलनी मुश्किल है। वैसे कुछ कुछ झलक मेरे लौंडे में भी है मेरी। अरे अम्मा कोई तुम्हारी शक्ल मुझसे नहीं मिलती, तुम्हारे नश तो बहुत मोटे मोटे हैं। ए जूते से मुंह रगड़ दूंगी गंजी कहीं की। वो अम्मा कह रही थी कि अब रोजाना ना हमारे घर से अफ्तारी आएगी। वैसे तेरी माँ शकील से तो बहुत भोंदू और चोगन है, पर ये बात उसने अच्छी की। चलो लड़कियों सीनियां रख दी अफ्तारी ले आई, चलो शाबाश अब भागो अपने घर। देख रही हूँ आप आजान लड़की ने आपको बहुत मारा है, लड़की ने बहुत मारा है आपको। अब छोड़ो नहीं बाबू, जो हुआ सो हुआ। अरे हाँ टूटे पागल लड़की का, एक बार हम भी तुम्हारे दुल्हन भाई को खूब पीटा था, हमसे कहने लगे नाजमा जांच है हमारी पीठ से दो। हमको गुस्सा आया, हमने उसका पीठ पे गरम इस्त्री फेर दिया। पापा जान ऐसा क्यों किया? अब बाबू तुम ना जानो हो, तुम्हारा दूल्हा भाई बहुत सुटकत है। कहाँ कहाँ बताऊँगा तुमको, वो तो घर का मासी हमको सब कुछ बताइस। अरे हम तो उनका ऊपर एक बार तेजाब भी ओंडेला था, मगर वो तेजाब ऐसा दो नंबर था बजाय इसके तो उनका मुंह झुलसावे, उनका काला कलूटा रंगत एकदम साफ कर दियो, एकदम पिंक पिंक लगने लगे बिल्कुल अंग्रेज का तारा। और बाद में वो तीन चार लड़कियां और पोटे। आप जान सबो थी पटाखा। क्या बात करते हैं बाबू, तुमका तो बस एक लड़की चाहिए, चाहो लुड़ियाई क्यों ना हो। हमारी मोहब्बत सबों का पागलपन दूर कर देगी। चटक मार देंगे जो ज्यादा बकवास किया है। का हुआ कालीमुद्दीन साहब का तीसरा बेगम का उंगली में छल्ला पहना दिए? ना डाला, लड़की का उम्र शनाख्ती कार्ड का हिसाब से 21 बरस था। अलीमुद्दीन कहने लगे आप जान लड़की का उम्र ज्यादा है, कोई 15-16 बरस का लड़की देखो। अलीमुद्दीन साहब ने तो अपना सारा मरम सब बेच खाया है। अरे लोगन की बातें तो हमका सहना पड़ेंगी ने। पागल गई की। ए नन्नी झाड़ू पिटी, ते सिवाय दो औलाद के और का देश? अलीमुद्दीन का साथ का लड़का सबके यहाँ 11-12 बच्चा से कम ना है। अब इतना भी अंधे ना ही चल रहा है कि 15-16 बरस का लड़की मिल जाएगा इनका। हमको चैलेंज मत करना, हम एकदम करके एकदम ले लेंगे।
دیکھیو خجستہ جہاں زیادہ نیتا پانا مت کیجیو بالکل معلوم ہوئے جیسے کسی فقیر کی آل اولاد میں سے ہے یا پھر عقیلہ کے خاندان سے تیرا تعلق ہے خالہ میرے خاندان کا نام مت لینا سعودی عرب میں جو پہلے پاکستانی کا ہاتھ کٹا تھا نا وہ میرا سگا خالو تھا اور سعودی عرب کی تاریخی کتاب میں اس کا نام موجود ہے حالانکہ یہ الزام غلط تھا لیکن پھر بھی بہت بڑی اعزاز ہے کہ سارے سعودی عرب والے مشتاق کو نا اماں اماں روزہ کھلنے والا ہے پلیٹوں میں کھانا ڈال دو نا اماں جلدی کرو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اے خجستہ آپا تمہیں کیوں بھوک لگ رہی ہے تمہارا کون سا روزہ ہے اثر کے بعد میں نے کھانا بند کر دیا تھا رمضان کے احترام میں مجھے تو مولوی صاحب لے جا رہے ہیں افطاری کے لیے دو چار روز میں اے عقیلہ بھابھی تمہارے غریب مولوی کی اتنی اوقات ہے کہ اتنی مہنگی افطاری افورڈ کر سکے ارے اس کے پہلے سے 11 بچے ہیں پیسے بچوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں لیکن دوسری عورت کے لیے خزانے کا منہ کھل جاتا ہے لو بھائی ذرا ان دوسری عورت کو دیکھیو معلوم ہوئے آثار قدیمہ سے نکلی ہیں ان کو تو اپنے بارے میں ایسے خوش فہمیاں ہوئی جاوے ہیں جیسے کہ یہ مردہ ہوئے حسن و جوانی کا مرقع میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر یہ بڑھیوں کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں یہ مرد لوگ مجھے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم یونانی دوشیزہ لگتی ہو کیا نقوش ہیں کیا رنگ ہے اس پہ تو اماں کا بے لاگ تبصرہ ہونا ہی چاہیے عقیلہ روزے کا وقت ہے بجائے تو اپنے پھپون زیادہ حسن کے قصیدے پڑھے اس سے تو اچھا ہے اللہ میاں سے کچھ دعائی کر لے بھائی مجھے نہ لگے اللہ میاں تیرے جیسی عورتوں کو بخشیں گے میں تو تجھے اپنے گھر لا کے پچھتائی منہ لگائی ڈومنی گائے تال بے تال اما تم نے ساری چیزیں تو اپنے قبضے میں لے رکھی ہیں جی اما مت دیکھیو ہیاں اس طرف سمجھی اما کپڑا تو اٹھا دو اوپر سے اما میری پلیٹ میں بھی ڈال دو نا خاموش رہ ہیاں آئیو یہ لے یہ لے یہ کیا ہے خالہ میں نہیں کھاؤں گی یہ میں جا رہی ہوں فرد بہن کے یہاں افطاری کرنے تمہارا دل تو چڑیا جیسا ہے تم تو ہوئی کنجوس جبھی تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے اماں عقیلہ بھابھی کے ساتھ تم نے یہ حرکت کافی نامناسب کی ہے ارے اس گھر میں روزدار ہے کون سوائے میرے اور عقیلہ بھابھی کے باقی سب تو کھوجے دار ہیں ارے ان لوگوں سے جمعہ الوداع کا روزہ تو رکھا جاتا نہیں ہے میں تو گارنٹی سے ایک بات کہوں ہوں کہ تیرا ایک روزہ بھی قبول نہ ہوئے گا کیونکہ روزہ نام دکھاوے کا نہیں یہ اللہ اور بندے کا پرسنل معاملہ ہے تو جو اپنے روزوں کی یہ پبلک سیٹی کرے ہے اے بھائی یہ انتہائی اچھی حرکت ہے اماں یہ پلیٹ مجھے خوب ساری بھر دو بالکل کیٹو کی پہاڑی جیسی چپ کر جا یہاں سے یہ بدرقہ جہاں کہاں ہے اماں وہ اپنے کمرے میں اس نے نا پائے کے سالن کے ساتھ دو شیر مال کھائے اور کہہ رہی ہے میرے پیٹ میں درد ہے اور کہہ رہی تھی کہ پائے کا سالن باسی تھا مجھے فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے میں بھی ابھی اندر سے آ رہا ہوں پیٹ پکڑ کے بیٹھی ہوئی میڈم کہ تم لوگ بھی ذرا احتیاط سے کھانا بدرقہ جہاں کے انجام سے تو واقف ہونا اے روزے میں کتنا ٹائم رہ گیا بڑی بھوک لگے ہے اما افطاری میرے سسرال سے آئی ہے اور ساری اچھی چیزیں تم نے اپنے قبضے میں لے کے رکھی ہوئی ہیں اے صبح سے بھوکی ہوں دوپہر میں ذرا سے پرانٹھے کے ٹکڑے کے ساتھ بالائی شکر کے ساتھ کھائی تھی پھر رب کا شکر ادا کیا اب مغرب کے وقت آتے قلو اللہ پڑے ہیں اے میاں کے کھانے پہ نظر نہ لگائیو ودود احمد ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار رہے گا کھل گیا مروزہ کھل گیا اے ودود احمد لڑکی کی میاں سے کہیو جلیبیاں بھی بھیجے بھائی مجھ سے جلیبیوں کے بنا افطار نہ ہووے اما جانا دینا سنو یہ لو ابے
हम तो नहीं पकड़ा रही है थेरे में मुझे। अबे साली क्या कंचा पीस है, वैसे साली तेरी चॉइस उद्धम है। क्या साली साली लगाया हुआ है, मालकिन को कोई साली कहता है क्या? सॉरी मैडम गलती हो गई, क्या है ना कि नजीर तबोरी को अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए और आप जैसी लड़की के साथ एडजस्टमेंट करने में। देखो अगर मैं तुम्हें मुंह लगा लेती हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू कर दो। ईमान से अपन ने तो तेरे साथ बड़े गाने पिक्चराइज कराए और दो गाना का ईमान से जुड़वा बहन लगती है। अच्छा और करो ना तारीफ, मजा आ रहा है। ईमान से तेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, उस खड़ूस को तेरे साथ देखता हूँ ना दिल चाहता खून पी जाऊं। क्या जालिम मेकअप करती है तू, ईमान से इतना जालिम मेकअप तो करती। तुम भी जरा साफ सुथरे रहा करो, थोड़ा नहाया शहाया करो, थोड़ा परफ्यूम शर्फ्यूम लगाया करो, फिर देखना तुम भी बिल्कुल फैसल कुरैशी लगोगे। अबे तुझे कोई ढंग का नाम नहीं मिला, मैं तुझे से मिला रहा हूँ तू मुझे। अच्छा तो फिर बताओ मैं तुम्हें क्या कहा करूँ। बोल दिया कर, तो वैसे भी हिट है। ठीक है सलमान बल्कि सल्लू। क्या अदा है तेरी, क्या स्मेल है। स्मेल स्मेल, मुस्कुराहट, आदाब। अबे तेरी बहन तो साली जकात मांगने वाली फकीरनी लगती है, हर घंटे रो रही होती है। किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। ए आपा तुम क्यों पराए मर्दों से तवक्कोआत वाबस्ता करके बैठी हुई हो। पराया कौन पराया, मैंने तो आज तक इनको पराया नहीं समझा। तुम एक शादीशुदा औरत हो फिर तुम नजीर से इस तरह क्यों। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम चैनल ने बिगाड़ दिया है, जहाँ शादीशुदा औरतों को झंझोड़ झंझोड़ के ये डोज दी जाती है कि बहन गफलत की नींद क्यों सो रही हो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें पसंद नहीं है और वो तुम्हें टाइम नहीं दे रहा तो कोई नया रास्ता ढूंढ लो। मुझे कई शादीशुदा औरतों ने बताया है कि तुम चैनल के ड्रामे देख देख कर औरतों को अपने शौहरों से नफरत हो गई है। मेरी एक सहेली अनीला नहीं थी, उसने तो तुम चैनल का ड्रामा देखते ही अपने शौहर को ना चूहे मार दवाई ना पिला दी। वैसे ये बात सही है, जब से मैं तुम चैनल के ड्रामे देख रही हूँ ना तब से मुझे अलीमुद्दीन से एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई है। शुक्रिया तुम चैनल, आड़े तिरछे ज़हनी पसमानदा और पंक्चर शुदा शोरों से हम औरतों की नफरत बेदार करने का। अरे हम उसके बन गए हम। शकूरन आंटी, बोल कोचर भुट्टी, आपने 6,000 अरेंज कर लिए। ए भाई मैं क्यों अरेंज करूं 6,000 रुपए, ये तेरा वदूद अहमद का मामला है। ए मैं न बोलूं भाया इन पराए फड्डों में, ए रूह अफ़ज़ा ये जान ले, अकील बढ़े सोच से और रोटी बढ़े लोच से, गौर फिक्र की आदत अपना। ओ हाँ मेरा वदूद अहमद का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गंजी तो तेरी सगी बेटी है, वो पराई कहाँ से हो गई। अगर वो इंतहाई मुफलिस फकीर ने कंगाली है तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके वाजिबात अदा कर। अरे रूह अफ़ज़ा पागल जाहिल गंवार, ए तू मुझ जैसी लेडी से ऐसी बदतमीजी कर रहा है, तुझे शर्म ना आवे। ओ रूह अफ़ज़ा पागल गंवार जाहिल की बच्ची, मुझे क्यों शर्म आएगी, आई एम वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। जानू जानू कितनी बोल्ड है तू, ये वैसे बोल्ड तो वो भी थी अपने जमाने में, ए अनीता अयूब अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ए जवानी में मैं बिल्कुल उसकी कापी थी। ईमान से रूह अफ़ज़ा तुझे अपनी पुरानी एल्बमें दिखाऊंगी, ए तो भी यही कहेगी। मगर शकूरन आंटी अनीता अयूब तो खासी खूबसूरत थी। ये तो तेरे कहने का क्या मकसद है, मैं बसूरत हूँ। यू आर सो ऑर्डिनरी वर्जन, ये तुझे मैंने बताया तो था
کہ اس زمانے میں ایک مشہور صابن کا اشتہار میں نے محض اس لیے چھوڑا کہ وہ مردود مجھے پیراکی کا لباس پہنانے پہ تلے تھے. فار گاڈ سیک شکورن انٹی، ایسی بے سروپا باتیں مت کیا کریں آپ، میں ویسی بہت ٹائڈ ہوں. آپ مطلب کی بات کریں، پلیز ٹیل می، آپ مجھے 6,000 روپے دے رہی ہیں یا نہیں؟ یس اور نو؟ دیکھیے میں وارن کر رہی ہوں، اگر یہ کیس شاہینہ پھرکی کے پاس چلا گیا پھر تو آپ کے بیٹے کی لاش ہی ملے گی. اور ایک کمزور جاہل معمولی عورت 6,000 کے عوض میں تو میرے لونڈے کی لاش گرانے پہ تو لیا ہے، میں تو تیری زبان کھینچ لوں گی. اے بڑھیا، ایسے جھٹکے لے لے کر آغا تالش کے انداز میں مکالمے ادا مت کر، خواہ مخواہ میں ہارٹ فیل ہو گیا تو تیری اولادیں میری گردن پکڑ لیں گی. ٹھیک ہے، یہ آخری وارننگ تھی روح افزا کی طرف سے، کل میں شاہینہ پھرکی کو لے کر آ رہی ہوں یہاں. اے توبہ، کیسا بازاری نام ہے شاہینہ پھرکی، تیری جاننے والی ہوے گی تو ضرور کوئی بہت بڑی فلم ہوے گی. لیاؤ بھائی لیاؤ، شکورن کے آگے دنیا کی کسی عورت کا چراغ نہ جل پائے ہے. اے نوٹ کر لے روح افزا کھوچر پھٹی یہ بات. اوکے دین سی یو. اوئے امی جان، ہم کو جوئی سے بہت نفرت ہے. اپنے بابو کو اور کاجل لگا دو ہیں، تمہیں بڑکا بڑکا آنکھ میں کاجل لگاوا کے بعد یہ آنکھ بہت خوبصورت لگے گا. نہ نہ امی جان، روح افزا ہمیں چھکا چھکا کہہ رہے ہیں. امی جان ہم اور کاجل نہ لگاویں گے. بہت خوبصورت ہیں امی جان، دیکھو نا ایک کیسا اپنی بیوی کے چمچا گیری کر رہے ہیں جی. ایک بہت لگے ہیں، روح افزا کا بہت لگا ہے. روح افزا بہت خوبصورت ہے. ہاں بہت خوبصورت ہے. امی جان آپ کو بھنڈاریا کا کوئی خیال ہی نہ ہوئے. اور کاہے نہ ہی آب ہے، ہم کو اتنا کھلا میں ہیں ٹھوسا میں ہیں، ہفتے میں 11-12 سیل بڑھ جاوا ہے. اُن کا منہ دیکھے ہو تم، فٹ بال کا معافی گول گپا ہو کر آ گیا. ہم بھنڈاریا کی شادی کا بات کر رہے ہیں نا امی جان. کہیے نا، کریے نا ہماری شادی کی بات. ایک دو لڑکن ہم نے بھی دیکھے ہیں نا، پر وہ ہم کا گھاس ہی نہ ڈالے ہیں جی. امی جان بنو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے جی قبول ہے. لڑکا تو اچھا ہے پر اس کا ماں بہت بزاد ہے. ہم کو بزاد بولے؟ ہم تو نیچے والی شکورن کو بولے تھے. پھپھی جان آئیے نا، ہم آپ کا پیر دبا دیں. جان دے بے بھنریا اپنی پھپھی جان پر. پھپھی جان بھنریا کا نا شوہر بہت بد نصیب ہے جس نے اس کو چھوڑ دیا. بد نصیب؟ وہ تو شادی کے دنوں میں ہو گئے نا، اب تو بہت خوش نصیب کہلاتے ہو گئے نا. آپا جان نند بھاوت کا رشتہ بھی باہن باہن جیسا ہو گا ہے، آپ اس میں لڑائی جھگڑا ہو گا ہے پھر ایک بھی ہو جا گا ہے. کاہے آپا جان، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ ننی تو وہ عورت ہے جو اچانک سے میٹھا بن جاوے تو بہت گڑبا ہو جاوا ہے. پھپھی جان آپ کو یاد ہے نا کہ دادی جان نے بھنریا اور بنو کا رشتہ طے کر دیا تھا. ہم اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ دوا کھا کھا کے امی جان کا دماغ ایک دم لڑیا گیا تھا.
आपा जान हमने भुनरिया में का कमी है, भुन्नू को भुनरिया से ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता है। लिख लीजिए आप हमरा ई बात। ना नन्नी, ई भुन्नू हमरा अकलौता लड़का है, हम इतना जल्दबाजी में उनको शादी न करेंगे, और ऐसे भी गोलट के हम शदीद खिलाफ हैं, इसलिए बेहतर होगा नन्नी बेगम कि तुम अपना मुंह बंद रखो, जूता मार देंगे जो गलत बात की हो तो। भुन्नू इनको मिले, ई भुनरिया की शादी भुन्नू से कर दे, काहे कर दे, अरे हमरा अकलौता लड़का है, इनको कहा हम शादी में दे दे। हमरा रोजा है समझी। हम आपसे कौन सा ऐसा मायूब बात कर रहे थे जी, हम तो बस आपका बाल सही कर रहे थे, देखो ने कैसा उलझा उलझा हो रहा है। अच्छा ये बताइए ने, हमरा साड़ी का रंग कैसा लागे है? दूर है बनरिया। कहाँ है ने जी, आप तो हमसे ऐसा घबरावे हैं जैसा हीरोइन गंदा नजर वाला चौधरी से घबरावे है। देखो बनरिया, हम हमेशा तुमको बहन का नजर से देखें। बहन? अजी मैया, मगर खुदा का कसम हम आपको अपना भाई ना ही समझे हैं, बस हमको तो वो तस्वीर याद है ने जिका दरमियान में फूल का गुलदस्ता था ने, एक तरफ आप थे एक तरफ हम। कहाँ है वो तस्वीर, हम जला के राख कर देंगे उसे। हम आपसे भीख मांगे जी, हमसे शादी कर लो ले, रमजान शरीफ का महीने लाख सवाब देगा। तेरा बाप होगा, जैसे जाहिल इस घर के मकीन वैसे ही ये मिट्ठू। रोजाबाजी, मैं तुम्हें कह चुका हूं ना कि अब तुम्हारे मेरे दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं है, खत्म हो गई हमारी वो दोस्ती। और जो इस घर में तुम्हारी आवत जावत का सिलसिला है ना, वो मुझे शदीद नागवार गुजरता है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम इस घर में दंदनाती फिरती हो। ओ जाहिल गंजी, खबरदार मुझसे इस टून में बात की हो तो। कहां मर गई तेरी मां और बहनें? अम्मा की फुप्पी का 108 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है, पुरानी नुमाइश गई है वो खजस्ता आपा बदरका आपी के साथ। हाय, 108 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, फिर तो घर वाले बड़ी खुशियां मना रहे होंगे। वजूद, लगता है तुम्हारे खानदान वाली औरतों की उम्रें काफी तवील होती होंगी। रज़ाबाजी, अपना मुंह बंद ही रखो। मैं तो तुझे ये इत्तला देने के लिए आई थी कि अब से ठीक 10-15 मिनट के बाद शाहीना फुरकी तुझसे 6,000 रुपए की तफ्तीश करने आ रही है। यहां से खिसकने की गलती मत करना मोटी गंजी औरत, क्योंकि शाहीना फुरकी पूरे इलाके की नाकाबंदी करके तुझे गिरफ्तार कर लेगी। रोजाबाजी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। सुन, महिलाओं की तरह सफेद साड़ी पहन के जेल में इधर उधर घूमना। मैं क्यों पहनूंगा सफेद साड़ी, मैं खुद औरत हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मेरा मतलब है मुसलमान मर्द हूँ। शाहीना फुरकी तो ये कह रही थी, रूह अफ़ज़ा मैडम, अगर तुम कहो तो मैं 302 के कैच में फंसा के फांसी करवा दूं। मैंने कहा जरा वक्त दो, सोच के जवाब दूंगी। सुनो,
मैं 10 मिनट में आती हूँ शाहिना फुर्की के साथ, तुम जब तक आयतल कुर्सी पढ़ लो। भागना मत मेरी एक्स गंजी फ्रेंड, नहीं तो धर ली जाओगी। शाहिना फुर्की को अवतार के बाद ले आना। अवतार के बाद? She is so busy lady. उसने जो वक्त दे दिया सो दे दिया। अब तू जा नमाज बिछा कर, अपने गुनाहों की माफी मांग। तेरा बुरा वक्त तेरे सर पे खड़ा है। बस मैं यूं आई। बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू, ए तमीजनी, ए हबूड़ी, तुझे जो मैंने तेरी हैसियत और औकात से ज्यादा बढ़कर इज्जत दी और अपनी लौंडिया की इन्वेस्टिगेशन पर छोड़कर खुद कराची से बाहर जो निकली तो भाई तूने तो सत्यानाश फेर दिया। मेरा महीने भर का राशन 8-10 दिन में खा गई। आपा ये तो थला थली दाम है। अरे चल चल बड़ी आई, सलासल इल्जाम है, अब क्यों आन मारी है? और तुझ पर तो मैं फर्द जुर्म आयद करूंगी। मेरा कटोर दान जो मेरी मैया ने दिया खालिस चांदी का था, वो भी तूने उड़ाया। अल्लाह पाक ती ततम ती 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 भी ततम ले लो, मैंने नहीं उलाया। मैं तो बली ईमानदार लटू आबा। एक कुंजड़ी अपने बैर खट्टे नहीं बतावे हैं। हर कोई अपने आप को फरिश्ता साबित करने पे तुला है, मतलब बयान कर ही आन मरने का। ढोली दे तो आपा दता ये तलीब है। मैं क्यों ज़कात दूं? और मेरे हालात कौन से अच्छे हैं? मैं बेवा सफेद पोश, मुझे तो खुद ज़कात की ज़रूरत है। जा जा के महल्ले से ज़कात समेट के बटोर के ले आइया। अब ऐसी बात है तो मत चलो, इतना तो माल दबाया है तुमने।